पिछली कक्षा में हमने विषय लिया था सद्गुरु की खोज, जिसका भाग एक हमने चर्चा करी थी, जिसमें राधा स्वामी मत में हुजूर स्वामी जी महाराज के वचन के अनुसार चार स्तर के गुरुओं का जिक्र किया था। जिन चार स्तर के गुरुओं की पहचान हमें इसी जन और देह में अंतर यात्रा और अभ्यास में हो जाती है। पांचवा स्तर तो सत्य देश में ही मिलेगा, उसकी परख और पहचान हम यहां नहीं कर सकते। आज इसका अगला भाग सद्गुरु की खोज का, कि कोई जीव संत मत में कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है, ऐसा क्या है जो जीव को संतों के मत में खींच लाता है, और फिर क्या होता है, इस पर चर्चा करें। तो संत मत में जीव अपने वर्तमान कर्मों द्वारा नहीं आता। वर्तमान कर्म यानी इस जन्म में हमने कुछ कर्मों की कमाई करी तो हमको संतों का मत मिल गया, नहीं होता, नहीं आता, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि एक जन्म में कोई जीव संत मत में आ सके। संत मत में वही जीव आता है जो पिछले जन्मों में पूर्ण रूप से धार्मिक हो चुका है, यानी उसने अपने धर्म के कर्म पूरे कर लिए हैं, तब उसे अगले जन्म में अध्यात्म का ज्ञान मिलता है। जो अभी धार्मिक पूर्ण नहीं है उसकी समझ में अध्यात्म नहीं आता है, तो अगले जन्म में उसे अध्यात्म का ज्ञान मिलता है, और जिसका अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन पूरा हो चुका है, वही संस्कार उसे अगले जन्म में संतों के मत की ओर खींच लाते। इस तरह तीसरे जन्म में कोई भी जीव संतों के मत को समझ पाता है, उसमें जुड़ और लग पाता है। यूं तो भीड़ में आने वाले बहुत होते हैं, थोड़े दिन इंजॉय करते हैं और फिर वापस निकल जाते, ठहर नहीं सकते। ठहर वही पाएगा जो पूर्ण रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कारों के साथ आया है। पहली बात तो यही है वर्तमान कर्मों द्वारा नहीं आता, कि कुछ यज्ञ हवन कर लिए या दान पुण्य कर लिया या कर्म कांड कर लिए, तीर्थ नहा लिए, चार धाम कर लिए, 14 और 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 9 देवियां पूज ली, बस अब संतों का मत नहीं मिलेगा। ये सब जगत का व्यवहारिक धर्म है, अध्यात्म नहीं। अभी अध्यात्म का पड़ाव पार करना है, तब पार ब्रह्म समझ में आएगा, पहले ब्रह्म तो समझ में आए। इसलिए संत मत में जीव अपने वर्तमान कर्मों द्वारा नहीं आता। इस मत में खिंचाव प्रारब्ध का परिणाम होता है। प्रारब्ध वो है हमारे शेष कर्म जिनका फल भोगना बाकी है, वही कर्म संस्कार बनके हमारे प्रारब्ध का रूप ले लेते हैं, और प्रारब्ध के अनुसार ही हमें देश काल स्थिति और वातावरण प्राप्त होता है। देश यानी जून किस देह में जाएंगे, काल यानी आयु, स्थिति
यानी हम किस स्थिति में पैदा होंगे, अपाहिज, रोगी, अपंग, कैसी स्थिति में पैदा हो, और वातावरण किस कुल में पैदा हो, ये हमें प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। सो इस मत में खिंचाव प्रारब्ध का परिणाम है। हमारे प्रारब्ध में वो हमारे सभी संस्कार जुड़े होते हैं जिनके फलस्वरूप हमें देश काल और स्थिति प्राप्त होती है। यही वो धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार हैं जो हमारे प्रारब्ध में जुड़े होते हैं और वक्त आने पर हम संतों के मत को समझ पाते हैं। सो ये प्रारब्ध का परिणाम होता है जो कि जीव के पूर्व जन्मों की कमाई से निर्मित होता है। पूर्व जन्मों की कमाई, संतमत की कमाई नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक कमाई। संतों के मत में तो अभी कदम रखा, तो ये कमाई धार्मिक और आध्यात्मिक होती है। तभी कोई जिज्ञासु सद्गुरु की खोज करता है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि किस तरह प्रारब्ध के अनुसार निर्माण होता है, जीव संतों के मत में खींचता है और सद्गुरु की खोज के लिए प्रेरित होता है। ये एक बिल्कुल विस्तृत विषय, पर प्रश्न ये है कि जब तक सद्गुरु से मेला ना हो तब तक एक जिज्ञासु जीव क्या करे। मेला तो वक्त आने पर ही होगा और प्रेरणा अंदर है, खोज रहा अभी पहचान नहीं पा, तब तक क्या। ये ही इंटेगनम का समय, यही समय इंटेगनम का। सद्गुरु तो मौजूद है पर जीव इस योग्य नहीं है कि अपने वक्त के सद्गुरु को पहचान सके, इसलिए वो जिस दौर से गुजरता है उसी का नाम इंटेग्रम है। ये जीव की कमी है, इंटेग्रम ये कोई व्यवस्था का अंग नहीं है। और हर सद्गुरु के अंतर ध्यान होने पे ये दौर आता है जितना वक्त अगले वक्त के सद्गुरु को पहचानने में लोगों को लग जाता है। वो चाहे 2 दिन का हो, चाहे 2 महीने का हो या 2 साल का हो, जितना समय जीव को लग रहा है वही उसका इंटेग्रम। और अगर इंटेग्रम को ही हकीकत मान लिया तो उसे वक्त का सद्गुरु ना तो कभी खोजेगा और ना ही कभी मिलेगा, सारा जीवन उसके लिए इंटेग्रम में ही गुजरेगा। सो प्रश्न वही है कि जब तक सद्गुरु वक्त से मेला ना हो तब तक जीव जिज्ञासु क्या करे। तब तक जब भी अधिकारी जीव से भेंट होती है और पूर्व संस्कार जागते हैं तब वही प्रथम गुरु है। अधिकारी जीव वही प्रथम गुरु, क्योंकि उसी के संग साथ और सानिध्य में पिछले संस्कार जागते हैं, कमाई खुलती है। तो वही प्रथम गुरु है। पर खोज यहां समाप्त नहीं होती, ये गुरु मिल गया, खोज यहां समाप्त नहीं होती बल्कि यहां से शुरू होती है। तब जीव जिज्ञासु साधना का मार्ग खोजता है, कमी तो खुल गई पीछे, तब साधना का मार्ग खोजता है कि किस रीत से साधना करूं कि मालिक से मेला हो जाए। और खोजता है साधक अधिकारी जीव से अगला स्तर साधक गुरु। यह गुरु पद का दूसरा स्तर, ये दूसरे स्तर के गुरु।
सत्य पथ का हर सच्चा जिज्ञासु जानता है कि हर बढ़ते हुए कदम और स्तर के साथ ही पिछला स्तर उसमें समाहित होता है। अगर दसवीं के बाद बारहवीं की पढ़ाई कर रहे हैं तो बारहवीं की पढ़ाई में दसवीं की सारी पढ़ाई शामिल होती है, होती है। सो हर बढ़ते और अगले स्तर के साथ ही पिछला स्तर उसमें समाहित होता जाता है। इस तरह अगले स्तर के गुरु में पहले गुरु को समाहित मानकर ही अगले स्तर के गुरु से मेला संभव हो पाता है। अगर उनने पिछले गुरु को समाहित ना माना तो संशय और भ्रम घेर लेंगे, ये सही या ये सही, फिर ये हो जाए। तो समाहित मानकर ही अगले स्तर के गुरु से मेला संभव हो पाता। यही खोज एक दिन जीव को सदगुरु पूरे तक पहुंचा देती। अगला इस रीत पर चलते हुए जीव यह तो जान जाता है कि सदगुरु की खोज कैसे की जा सकती है, पर कहां मिलेंगे सदगुरु पूरे ये वो अब भी नहीं जानता। कैसे मिलेंगे समझ में आ, कहां मिलेंगे ये तो अब भी नहीं जानता। अति महत्वपूर्ण स्थिति है ये, यही असली घड़ी है परीक्षा की। जबकि जीव को खुद को परखना होता कि क्या वह मालिक की मौज में राजी है, बड़े धैर्य का काम है, बड़े धैर्य से मिलते हैं सद्गुरु, और धैर्य छूट गया तो परीक्षा में फिसल गया। इस धैर्य के साथ सद्गुरु की खोज में रहना पड़ता है, और यही परीक्षा की घड़ी है कि क्या वो मालिक की मौज में राजी है या अपने मन की जल्दबाजी चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये सद्गुरु की खोज। जीव सद्गुरु पूरे को सारे जगत में ढूंढता फिरता, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जीव सद्गुरु को सारे जगत में ढूंढता फिरता है पर वो कहीं नहीं मिलता और कभी मिलेगा भी नहीं। सारे जगत में ढूंढता फिरता है और कहीं नहीं मिलता और कभी मिलेगा भी नहीं। सद्गुरु पूरा या संत सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं, देह स्वरूप नहीं है कि इनको पकड़ लिया उनको पकड़ लिया या उनको पकड़ लिया, वो देह स्वरूप है ही नहीं। इस जगत के तो है ना, इस जगत में कैसे मिल सकते, और जगत में ऐसी कौन सी पहचान हो सकती है कि हम पहचान सकें कि ये सद्गुरु। वेशधारी मिल जाए बड़े बड़े पंडाल सिंहासन और सजावट के साथ, वो मिल जाए, शब्द स्वरूप नहीं मिल, देश मिल जाए। तो सदगुरु पूरा या संत सदगुरु शब्द स्वरूप हैं और जीव का चेता ही शब्द। हमारे जिस्म कहते हैं ना चेता, चेतना तो आत्मा है, उसके भीतर जो चेता है वो भी शब्द ही है जिसकी धुन गाज रही और हम सुनते हैं, तो वो शब्द स्वरूप। सो
जीव का चेता ही सदगुरु पूरे को पहचान सकता है, और कोई मन, मस्तिष्क और आंखें और इंद्रियां सदगुरु को कभी नहीं जान सकते, न मन न मस्तिष्क यानी बुद्धि, न आंखों से देखकर और न ही इंद्रियों से छूकर। ये बहुत ठंडे ठंडे हैं ये सदगुरु, ये बड़े मुलायम मुलायम हैं ये सदगुरु, तो ऐसे सदगुरु की पहचान नहीं होती। इस तरह संत सदगुरु की खोज जीव को अपने भीतर ही करनी होती है, जगत में नहीं, क्योंकि चेता जो शब्द स्वरूप है वही शब्द स्वरूप सदगुरु को पहचान सकता है, ये तन मन और आत्मा कभी नहीं। पर यह बात अभी आधी ही है जो हमें बताती है कि संत सदगुरु की खोज कहाँ की जा सकती है, यानी अपने ही भीतर। अभी समझना शेष है कि कैसे, ये तो समझ में आ गया अपने अंदर की जा सकती है, पर कैसे अभी ये जानना बाकी। संत अपनी वाणी से पहचाने जाते हैं, बाने से नहीं, यानी अपनी वाणी से पहचाने जाते हैं। बाना यानी कपड़ा लत्ता और श्रृंगार जो करके बैठ गए हैं, उससे पहचान नहीं होती है, बाने से नहीं होती है, उनकी वाणी से होती है, अपने वचनों से पहचाने जाते हैं, वो स्वांग करके नहीं। अक्सर जीव बाग बगीचों डेरे आश्रमों यहाँ पर मंच या सिंहासनों पर विराजमान को संत या महात्मा मान बैठता और भूल जाता है कि काशी की मलिन बस्ती में खड्डी पर कपड़ा कौन बुनता था, वहां कोई सिंहासन नहीं था, वहां कोई रोशनियां नहीं थी, डिबी का उजाला और झोपड़ी का अंधेरा था। भूल जाता है कि काशी की मलिन बस्ती में खड्डी पर कपड़ा कौन बुनता था, मरे पशु के चमड़े से जूता किसने गांठा, कभी उसने हल चलाया, कभी बढ़ई बनकर आया, कभी ढोर डंगर चराए, कभी शिक्षक बना तो कभी अनुवादक। सो जिसने अपने अंतर में खोजा उसने उसे पाया भी और पहचाना भी। संतों की पहचान उनकी वाणी से ही हो सकती है। वाणी में फरमाया है कि कुछ दिन उनका सत्संग करने से अधिकारी जीव को सदगुरु की पहचान अंतर में स्वतः हो जाती है। कैसे, यही प्रश्न था ना, कहां खोजना है पता है कैसे। सो वाणी में फरमाया है मालिक ने कि कुछ दिन उनका सत्संग करने से यानी संग साथ और सानिध्य करने से अधिकारी जीव को सदगुरु की पहचान अंतर में स्वतः ही हो जाती है। पर कैसे और क्या पहचान मिलती है अंतर में, फिर प्रश्न सामने आता है। पहचान तो हो जाती है अंतर, पर अंतर में कैसे और क्या पहचान मिलती है कि हम जान सकें कि यही सद्गुरु है। संत शब्द स्वरूप होते हैं, आकर्षण शब्द का गुण, यही शब्द स्वरूप जब वाणी बनकर
उनके वचन में प्रकट होता है, शब्द कंठ में वाणी और जबान पर वचन बनकर, जब अंतर का शब्द कंठ में आया तो वाणी, जबान पर आया तो वचन, और प्रकट होता है वही शब्द, तब जो जीव अधिकारी है वह उनके वचन के आकर्षण में बंध जाता है, क्योंकि शब्द का गुण है आकर्षण, खींच लेता है। तो जो अधिकारी जीव है वह उनके वचन के आकर्षण में बंध जाता है। यह बंधन जोर जबरदस्ती का नहीं पर प्रेम का होता है, आकर्षण प्रेम का। तो ये बंधन कोई जोर जबरदस्ती का नहीं कि जबरदस्ती जाके सत्संग में माँ बाप ने बैठा दिया तो बैठे हैं, नहीं। वो जब वचन सुनेगा ना, उस वचन का आकर्षण जीव को खींच लेगा। तो ये बंधन प्रेम का होता है। हृदय में आनंद और मन में उमंग उठने लगती है, मालिक ने कहा ना स्वतः पहचान हो जाएगी। तो हृदय में आनंद और मन में उमंग स्वतः उठने लगती है, एक लहर पता नहीं क्यों कहां से कैसे पर उठ रही है, खींचे चले जा रहे हैं, आकर्षक प्यारे लग रहे हैं स्वतः। तो हृदय में आनंद और मन में उमंग उठने लगती है, जीव का मन बर बस यानी अपना बस नहीं, हम रोक नहीं सकते, बर बस उनके वचन में लिपटे रहना चाहता, डूबे रहना चाहता उनके वचन। अब वचनों की प्यास हर वचन के साथ बढ़ती ही जाती, कभी मन संतुष्ट नहीं, और हर वचन के साथ ये प्यास बढ़ती ही जाती है, कभी बुझती ही नहीं, कभी नहीं बुझती, क्योंकि इसे बुझना तो धुर पे, धुर से पहले ये प्यास कभी नहीं बुझेगी। जो एक बार जाग गई सद्गुरु के वचन से, सो कुल मालिक के चरणों से लिपट कर ही पूरी होगी, उससे पहले मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। सो वचनों की प्यास हर वचन के साथ बढ़ती जाती है, कभी नहीं बुझती। जीव जितना पाता है और पाने की भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। ध्यान हर वक्त गुरु चरणों में लगा रहता है, मन बुद्धि और हृदय हर वक्त उनके संग साथ और सानिध्य और सत्संग की बाट जोते रहते, कब मौका दे उनके सत्संग। जो ना मिल सके तो बेकली तड़प और बेचैनी बढ़ती ही जाती है, यही सतगुरु से प्रेम, यही सतगुरु से प्रेम। क्या हो गया कैसे हो गया पता ही नहीं, बस खिंच गए और लुट गए, ये सद्गुरु से प्रेम। जो पराकाष्ठा पर पहुंचकर, ऊंचाइयों पर पहुंचकर, अपने प्रगाढ़ होकर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर अभिव्यक्ति चाहता है, कुछ कर, कुछ कर, क्या करूं
नहीं पता, पर कुछ करूं। ये जो पराकाष्ठा पे पहुंचता है ना प्रेम, तो वो अभिव्यक्ति मांगता है, कुछ करूं, क्या करूं। सो एक दिन भक्ति में परिणत होकर सेवा का अवसर ढूंढ रही, यही प्रेम। पराकाष्ठा पे पहुंचकर भक्ति में बदल जाता है, भक्ति अभिव्यक्ति मांगती है और सेवा का अवसर ढूंढने लगता है, चाहे कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिलेगा। एक मेरे को बड़ा प्यारा किस्सा याद आया। स्वामी बाग में नाम लेना उचित नहीं है, पर दफ्तर में मैं एक अधिकारी के साथ बैठा हुआ था, कुछ चर्चा चल रही थी, तो दो बुजुर्ग आए जी, हमें कुछ सेवा करनी है, हम क्या करें, हमें कोई सेवा बता। तो उन्होंने कहा कि आप बुजुर्ग हो, आराम से सत्संग सुनो, बैठो, सेवा तो करने के लिए यहाँ सब हैं और सारी सेवा हो रही है, ऐसे कुछ बचा ही नहीं कि हम आपसे कहें कि आप ये सेवा करो, यहाँ सब हैं, आप बुजुर्ग लोग हो, आराम से सत्संग। पर वो जो भक्ति थी वो तो अभिव्यक्ति चाहती थी, नहीं सर कुछ तो बता, कुछ तो कहीं लगा दो, कुछ कर दो। तो उन्होंने मजाक में कहा कि भाई कुछ करना ही है तो एक कपड़ा लेके दीवार और खंभे ही पोछ दो, और क्या सेवा बता दो, सब कुछ तो हो रहा है, क्योंकि दिन भर हवा चलती है, दीवार और खंभों पे धूल तो आई जाती। ओ दो तीन घंटे बाद में जब समाज की तरफ जा रहा था, पीछे वो सिंधी कॉलोनी में जा रहा था समाज की तरफ से, वो दोनों बुजुर्ग अपना जो वो होता है ना, उनका गमछा बोलते हैं उधर, कपड़ा होता है ना जो गले में गर्मियों में डालते हैं, उससे खंभे और दीवारें पहुंच गए। ये है मालिक के प्रति प्रेम, भक्ति और उसकी अभिव्यक्ति। वो बड़े खुश कि उनके एक भक्ति को एक अभिव्यक्ति मिल गई, एक सेवा मिल गई, तो उनके अंदर जो आनंद था उसका मुकाबला हम वो लोग क्या करेंगे जो वहां जाकर एसी कमरा और भोग भंडारे ढूंढते हैं। बड़ी शर्म आई अपने ऊपर उन्हें देख कि मालिक ये भक्ति हमें क्यों ना बख्शे। वो है भक्ति, अभिव्यक्ति मांगती है और सेवा का अवसर ढूंढने लगती है, और मालिक उसे बख्श भी देता है। सो यही कह सकते हैं कि सद्गुरु दीजे प्रेम दात राधा, प्रेम की बख्शीश और दात तो सद्गुरु से ही मिलेगी, जगत में प्रेम नहीं है।